सरकार के राज में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, न केंद्र सरकार में, न बिहार सरकार में। केंद्र सरकार का भी हाल है, हमारे प्रधानमंत्री को भी पत्नी नहीं है, उसी तरह मेरे बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी को भी पत्नी नहीं है। वो लोग महिला का सम्मान नहीं जानते। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बिहार महिला समाज के तत्वावधान में पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से महिलाओं ने भाग लिया। इनमें समाज के सभी वर्ग की महिलाएं शामिल थीं। बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर महिलाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और उनकी सुरक्षा की मांग की। मेरा मांग है, जो महिला का जो अधिकार है 33% आरक्षण, उससे सरकार वंचित कर दिया है। मैं इसको लेकर के 14 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक दिल्ली के जंतर मंतर पर एकदम पूरे पखवाड़ा का हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे, जिसमें पूरे स्टेट से, हर एक राज्य से हमारी महिला आएगी, जिसमें बिहार से भी 15 महिला को जाना है। मेरे मांग है जो महिला सुरक्षित रहे, और इस सरकार के राज में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, न केंद्र सरकार में, न बिहार सरकार में। केंद्र सरकार का भी हाल है, हमारे प्रधानमंत्री को भी पत्नी नहीं है, उसी तरह मेरे बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी को भी पत्नी नहीं है। वो लोग महिला का सम्मान नहीं जानते हैं। महिला जागेगी, अपना अधिकार लेगी। महिलाओं पर जो अत्याचार होता था, वह महिलाएं आज जाग गई है, और महिला नारी शक्ति इतनी जाग गई है कि हमारी महिला कहीं भी कुछ में कम नहीं है। लेकिन जो सरकार के वादे हैं, जिस तरह हमारी महिलाओं के साथ बलात्कारी होता है, जिस तरह हमारे महिलाओं पर अत्याचार होता है, हम लोग सरकार की आवाज़ के लिए हम लोग बुलंद रहते हैं। वर्तमान राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं आगे बढ़ी हैं, लेकिन वे अपनी प्रगति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। अब देखना है वे और कितनी ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद .net, पटना।